आज हम बात करेंगे आजादी के दीवाने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथी रहे बटुकेश्वर दत्त की। आज हम उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में बात करेंगे। भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त की कहानी बताती है कि अपने शहीद क्रांतिकारी को पूजने वाला यह देश जीते जी उनके साथ क्या सलूक करता है। 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर आम जनता तक सभी इन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मोदी जब पंजाब के हुसनीवाला गए, वहां उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की समाधि पर फूल चढ़ाए। इसी हुसनीवाला में एक और समाधि है। यह आजादी के उस सिपाही की समाधि है जो भगत सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, लेकिन उसे भुला दिया गया। उनके साथी का नाम बटुकेश्वर दत्त था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लोग फिर भी शहीद दिवस या जन्मदिन के बहाने याद कर लेते हैं, लेकिन बटुकेश्वर दत्त की जिंदगी और उनकी स्मृति दोनों ही आजाद भारत में उपेक्षा की शिकार हुई हैं। परमिट के लिए जब बटुकेश्वर दत्त की पटना के कमिश्नर के सामने पेशी हुई तो उसने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र लेकर आए। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को तत्कालीन बंगाल में बर्दवान जिले के ओरी गांव में हुआ था। कानपुर में कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उनकी भगत सिंह से मुलाकात हुई। यह 1924 की बात है। भगत सिंह से प्रभावित होकर बटुकेश्वर दत्त उनके क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। उन्होंने बम बनाना भी सीखा। क्रांतिकारियों द्वारा आगरा में एक बम फैक्ट्री बनाई गई थी जिसमें बटुकेश्वर दत्त ने अहम भूमिका निभाई थी। 8 अप्रैल 1929 तत्कालीन ब्रितानी संसद में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया गया था। इसका मकसद था स्वतंत्रता सेनानियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस को ज्यादा अधिकार देना। इसका विरोध करने के लिए बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह के साथ मिलकर संसद में बम फेंके थे। ये ध्यान खींचने के लिए किए गए धमाके थे जिनके साथ अपने विचार रखते पर्चे फेंके गए थे। इस विरोध के कारण यह बिल एक वोट से पराजित नहीं हो पाया। ये दोनों क्रांतिकारी वहां से भागे नहीं और स्वेच्छा से गिरफ्तार हो गए। बाद में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा। फांसी की सजा न मिलने से वे दुखी और अपमानित महसूस कर रहे थे। बताते हैं कि यह पता चलने पर कि भगत सिंह ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी, उनका मजबून यह था कि वे दुनिया को यह दिखाएं कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए मर ही नहीं सकते, बल्कि जीवित रहकर जेलों की अंधेरी कोठरियों में हर तरह का अत्याचार भी सहन कर सकते हैं। भगत सिंह ने उन्हें समझाया कि मृत्यु सिर्फ सांसारिक तकलीफों से मुक्ति का कारण नहीं बननी चाहिए। बटुकेश्वर दत्त ने यही किया। कालापानी की सजा के तहत उन्हें अंडमान की कुख्यात सेलुलर जेल भेजा गया। वहां से 1937 में वे बांकीपुर केंद्रीय कारागार पटना लाए गए। 1938 में उनकी रिहाई हो गई। कालापानी की सजा के दौरान उन्हें टीबी हो गया था, जिससे वे मरते मरते बचे। जल्द ही वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। 4 साल बाद 1945 में वे फिर रिहा हो गए। 1947 में देश आजाद हो गया। नवंबर 1947 में बटुकेश्वर दत्त ने शादी कर ली और पटना में रहने लगे, लेकिन उनकी जिंदगी का संघर्ष जारी रहा। कभी सिगरेट कंपनी एजेंट तो कभी टूरिस्ट गाइड बनकर उन्हें पटना की सड़कों की धूल छाननी पड़ी। बताते हैं कि एक बार पटना में बसों के लिए परमिट मिल रहे थे। बटुकेश्वर दत्त ने भी आवेदन किया। परमिट के लिए जब पटना के कमिश्नर के सामने पेशी हुई तो उसने कहा कि वे स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र लेकर आए। हालांकि बाद में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को यह बात पता चली तो कमिश्नर ने बटुकेश्वर से माफी मांगी थी। 1964 में बटुकेश्वर दत्त अचानक बीमार पड़े। पटना के सरकारी अस्पताल में उन्हें कोई नहीं पूछ रहा था। इस पर उनके मित्र चमनलाल आजाद ने एक लेख लिखा, क्या दत्त जैसे क्रांतिकारी को भारत में जन्म लेना चाहिए? परमात्मा ने इतने महान शूरवीर को हमारे देश में जन्म देकर भारी भूल की है। खेद की बात है कि जिस व्यक्ति ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी और जो फांसी से बाल बाल बच गया, वह आज नितांत दयनीय स्थिति में अस्पताल में पड़ा एड़ियां रगड़ रहा है और उसे कोई पूछने वाला नहीं है। बताते हैं कि इस लेख के बाद सत्ता के गलियारों में थोड़ी हलचल हुई। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा और पंजाब के मंत्री भीमलाल सच्चर ने आजाद से मुलाकात की। पंजाब सरकार ने बिहार सरकार को 1000 रुपये का चेक भेजकर वहां के मुख्यमंत्री
के बी सहाय को लिखा कि यदि पटना में बटुक किशोर दत्त का इलाज नहीं हो सकता तो राज्य सरकार दिल्ली या चंडीगढ़ में उनके इलाज का खर्च उठाने को तैयार है। इस पर बिहार सरकार हरकत में आई, दत्त के इलाज पर ध्यान दिया जाने लगा, मगर तब तक उनकी हालत बिगड़ चुकी थी। 22 नवंबर 1964 को उन्हें दिल्ली लाया गया। यहां पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था जिस दिल्ली में उन्होंने बम फोड़ा था वहीं वे एक अपाहिज की तरह स्ट्रेचर पर लाए जाएंगे। बटुकेश्वर दत्त को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया। बाद में पता चला कि उनको कैंसर है और उनकी जिंदगी के कुछ ही दिन बाकी हैं। कुछ समय बाद पंजाब के मुख्यमंत्री रामकिशन उनसे मिलने पहुंचे। छलछलाती आंखों के साथ बटुकेश्वर दत्त ने मुख्यमंत्री से कहा, मेरी यही अंतिम इच्छा है कि मेरा दाह संस्कार मेरे मित्र भगत सिंह की समाधि के बगल में किया जाए। उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। 17 जुलाई को वे कोमा में चले गए और 20 जुलाई 1965 की रात 1:50 पर उनका देहांत हो गया। बटुकेश्वर दत्त की अंतिम इच्छा को सम्मान देते हुए उनका अंतिम संस्कार भारत पाक सीमा के करीब हुस्नेवाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि के पास ही किया गया। एक पुरानी कहावत है, जीते जी को मांड नहीं और मरे को खांड, लेकिन बटुकेश्वर दत्त के साथ तो इससे भी बुरा हुआ। आज़ाद भारत में न जीते जी उनकी कोई पूछ रही और न ही उनकी स्मृति का कोई मोल दिखता है। तो दोस्तों, आज का यह किस्सा था बटुकेश्वर दत्त के नाम। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है कि भारत में जीते जी लोगों की उपेक्षा की जाती है और मृत्यु को प्राप्त लोगों को बढ़ा चढ़ाकर या फिर उनकी पूजा की जाती है? क्या यह सही है जो बटुकेश्वर दत्त के साथ हुआ? क्या भारत को यह सब उनके साथ करना चाहिए था? और सबसे बड़ी बात, जिन क्रांतिकारियों का नाम ले लेकर ये लोग वोट मांगते हैं, क्या उनसे कोई पूछने की हिम्मत करेगा कि कहाँ है बटुकेश्वर दत्त का परिवार? क्या वो किसी राजनैतिक पार्टी का हिस्सा है या फिर वो इस देश की सरकार का हिस्सा है? खैर छोड़िए, यह तो यहाँ होता ही रहता है। आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइए। ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।